सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम पर डिलीट चैट को रिकवर कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमारी ये वीडियो इंस्टाग्राम के डिलीट चैट को रिकवर करने पर होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसे आपको करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, तो आप यहाँ पर दोस्तों इंस्टाग्राम से यहाँ पर मतलब चैट ही नहीं, यहाँ पर आप पूरा डाटा रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपसे एक बात कहूँगा, वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर इस प्रकार का लाल बटन दिखाई दे रहा है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को कर देना है प्रेस। तो दोस्तों, वीडियो को नहीं लाइक तो यहाँ से कर देना है वीडियो को लाइक। तो दोस्तों, यहाँ से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मतलब आपको चैट रिकवर करने के लिए आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है दोस्तों। जो कि दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ इस प्रकार से। इंस्टाग्राम ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर सामने आ जाता है दोस्तों। अब आप यहाँ पर चैट सेक्शन में जाते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पर चैट सेक्शन में आ जाते हैं। चैट सेक्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आपके पास यहाँ पर चैट आ रही है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर इसे मतलब डिलीट हो जाने के बाद अब इसे रिकवर करने के लिए आपको करने का दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पर कोई मतलब आपकी चैट डिलीट हो जाती है। तो दोस्तों, इसे रिकवर करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो इसे रिकवर करने के लिए अब आपको यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम के यहाँ पर नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर प्रोफाइल इस प्रकार से यहाँ पर खुल के यहाँ पर सामने आ जाते हैं दोस्तों इस प्रकार से। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर योर एक्टिविटी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आता है योर एक्टिविटी में, आपको पास इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों। आपको यहाँ पर नीचे नीचे आपको एक ऐप्स एक मतलब यहाँ पर डाउनलोड और इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है नीचे नीचे वाले को। नीचे नीचे वाले को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक अपनी जीमेल आईडी शो कर देना है दोस्तों, जो कि मैं यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी डाल देना है। तो यहाँ पर जीमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जिसे रिक्वेस्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी के पासवर्ड पहुँचता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम आईडी के पासवर्ड डाल देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फटाफट से डाल देता हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी के पासवर्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी के पासवर्ड डाल चुका हूँ दोस्तों। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी डाउनलोड रिक्वेस्ट यहाँ पर चली गई है दोस्तों, और आपको यहाँ पर नीचे से डन कर देना है। डन करने के बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ से वापस से ओपन हो जाएगी दोस्तों। अब आपको अपनी क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको अपनी जीमेल आईडी खोल लेना है दोस्तों। जो भी आपने जीमेल डाली थी वो यहाँ पर अपनी यहाँ पर लॉगिन कर लेना है जीमेल, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर जीमेल लॉगिन कर लेना है। जीमेल लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पर इंस्टाग्राम से एक मतलब ये माप यहाँ पर शो होगा दोस्तों, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। सो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये मैसेज यहाँ पर मतलब कितने भी टाइम में आ सकता है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक घंटे दो घंटे मतलब एक आध मिनट यहाँ पर कब भी आ सकता है दोस्तों, ये यहाँ पर एक दिन दो दिन यहाँ पर कुछ भी लग सकता है टाइम। तो अब आपको यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे क्रोम ब्राउजर पर ओपन कर लेना है अपनी आईडी को। तो अपने आईडी को यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में इंस्टाग्राम को यहाँ पर अपने मतलब आईडी को यहाँ पर ओपन दे देते हैं दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर अपने पासवर्ड डाल देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने पासवर्डों को डाल देता हूँ फटाक से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने पासवर्ड डाल चुका हूँ दोस्तों। अब आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पासवर्ड सेव करने की बोर्ड है। तो दोस्तों, यहाँ आपको या तो सेव कर सकते हो या नोट नाउ पर क्लिक कर देना है। नोट नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मतलब कुछ यहाँ पर नेट थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड योर डाटा, मतलब आपकी इस आईडी के यहाँ पर जितना भी डाटा है वो यहाँ पर डाउनलोड की इन्फॉर्मेशन के यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार का यहाँ पर पॉपअप आपके सामने आ सकता है दोस्तों। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, जो कि एक GPP फाइल के रूप में यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पर डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपनी आईडी का यहाँ पर डाटा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर फिर से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी आईडी का यहाँ पर डाटा डाउनलोड होने लग गया है दोस्तों। जब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मुश्किल मतलब बहुत टाइम लगता है दोस्तों, और बहुत मुश्किल से हम वीडियो बना पाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है ये फाइल। डाउनलोड होने के बाद अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद
अब आपको करना होगा दोस्तों, अब आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देखो तो इस प्रकार से मैंने अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लिया। फाइल मैनेजर होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तो आपको डाउनलोड में यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर फाइल यहाँ पर नजर आ जाएगी दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये फाइल 16 MB की है, वो आपके इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर निर्भर करती है कि कितनी पुरानी है दोस्तों। अगर आपके पास ज़्यादा डाटा होगा तो आपकी फाइल बड़ी हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा बड़ी यहाँ पर फाइल नहीं है दोस्तों, मैंने अपनी इस आईडी से यहाँ पर ज़्यादा चैट भी नहीं कर रखे दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है और आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल टू पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो अब आपको यहाँ पर एक किसी भी मतलब आईडी में यहाँ पर मतलब इसे किसी भी फोल्डर में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखते हो तो इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है मेरे पास। तो यहाँ पर अब इसे करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, या आपके ऊपर भी आ सकता है दोस्तों। तो आपको इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पर पेस्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी सहित यहाँ पर फोल्डर बन चुका है। तो अब इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पर मैसेज चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर मैसेज के लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर सब देख सकते हो दोस्तों। लाइक डाउनलोड क्या किया था आपने, पोस्ट कब की थी, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, किसे फॉलोअर्स किया था। अब आपको यहाँ पर मैसेज देखना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे मैसेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, तो उसे आपको यहाँ पर देख लेना है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मैसेज ऑप्शन आ रहा है, तो मैसेज पर क्लिक कर देना है। मैसेज पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो इनबॉक्स में यहाँ पर 9 आइटम आ रहे हैं दोस्तों मेरे पास। तो अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर यूजर नेम सहित यहाँ पर अपनी यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों इंस्टाग्राम ये। तो अब आप देख सकते हो दोस्तों मैंने ये वाली चैट यहाँ पर डिलीट की, तो दोस्तों ये भी यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। अब उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कोई भी अपनी इस पर ओपन कर लेना है ऐप पर, एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मेरे पास इस प्रकार से यहाँ पर ये आ चुके। अगर मैं इसे यहाँ पर जूम इन और जूम आउट करूँ तो आप भी यहाँ पर इसे देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर आ चुके। अगर मैं यहाँ पर दो से आईडी की बात करूँ अपनी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा फ़ोन को नीचे खिसका लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली आईडी मेरे पास। तो इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ये पूरी यहाँ पर आईडी आ चुकी है। आईडी सही थे यहाँ पर मतलब पूरी चैट यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, जो कि देख सकते हो आप यहाँ पर इसने क्या बोल रखा है क्या नहीं बोल रखा ये सब यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद देखा हो तो आप यहाँ पर और भी मतलब यहाँ पर सभी के यहाँ पर चैट देख सकते हो दोस्तों। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इंस्टाग्राम की डिलीट चैट को यहाँ पर रिकवर कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराना बोले दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।